Hello everyone, welcome to Farheen Classes. Indian Polity by M. Lakshmikant is book ke lecture series dekh rahe hain aap log aur polity ke is lecture series mein aaj hum log start karenge ek new chapter that is the President of India aur ise samajhne ki koshish karenge in a very simplified way. To isi tarah ke dusre sare ko aap log videos dekhne ke liye Farheen Classes is YouTube channel ko zarur subscribe kar lijiye aur saath hi bell icon ko bhi press kar dijiye taaki aapka ek bhi video miss na ho paaye. So President of India, that is the Union Executive, इनसे जुड़ी हुई सारी important provisions ये हमारे constitution में mention किया गया है from article 52 to article 78, okay, in the fifth part. तो President of India को हम लोग elect करते हैं because India is a republican state. तो republican state में republican होने का मतलब क्या है? That the head of the state is elected by the people of that state, है ना? तो यहाँ पर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है. तो किस तरह से ये इलेक्टोरल प्रोसेस है ये सारी बात हम लोग देखेंगे अपने आज के इस वीडियो में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे दैट हु कैन वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है. उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं? इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा, ओके. देन इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके मेंबर्स दैट इज द एमएलएस, ओके. और साथ ही इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. ये दो ही ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ के एमएलएस पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ओके. तो ये तो हो गया कि कौन वोट कर सकता है. अब दूसरी तरफ देखते हैं कौन वोट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के ये कभी भी वोट में पार्टिसिपेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. लोकसभा में तो दो मेंबर्स होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के और राज्यसभा में 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. तो ये दोनों जो हैं ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो अपर हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर का, वहाँ के बोथ नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड मेंबर्स भी ये दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ओके. एंड लास्ट नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द दिल्ली एंड पुडुचेरी. दिल्ली एंड पुडुचेरी के एमएलएस तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्टेड मेंबर्स, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो इन जनरल अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर्स ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. अब देखेंगे कि ये इलेक्शन होता कैसे है. सो हमारे का बुक में देखिए अगर आप लोग लक्ष्मीकांत अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ ये सेंटेंस दिया गया है दैट इलेक्शन इज हेल्ड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट, ओके. ये बैलेट सिस्टम से सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है. और किस तरह की वोटिंग होती है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. अब इसका मीनिंग क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट टेशन का, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ओके. देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिया गया है कि जो कैंडिडेट है, जो भी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले, ओके. तो क्या किया जाता है, एक कोई एक कैंडिडेट जो इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहा है उसे प्रेसिडेंट बनने के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कोटा है उसको अचीव करना होता है, सिक्योर करना होता है. ये कोटा क्या है? कोटा क्या होता है, जो जितने भी टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स हैं जिसे पोल किया जा रहा है, ठीक है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स डाले जा रहे हैं उसको डिवाइड किया जाता है 2+2 से. तो जो भी फिगर उसमें से आएगा, जो भी नंबर्स आएगा, अगर कोई भी कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगर उस कोटा को अचीव कर लेता है, सिक्योर कर लेता है, तो वो उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, ओके. लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, मान लीजिए कि तीन कैंडिडेट हैं ए बी और सी, इन तीनों में से किसी ने भी वो जो फिक्स्ड कोटा है उसे अचीव नहीं किया. अब क्या होगा? अब आएगा ये रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो सिस्टम है ये प्रोसेस इसको शुरू किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा. कैसे? देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस इलेक्शन में जो बैलेट पेपर दिया जाता है उसमें तीन कैंडिडेट अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो वो उनका नाम दिया रहेगा ए बी सी.
और जो वोट देने जा रहे हैं उनको क्या करना होगा, यानी कि एमएलए और एमपीज जो वोट दे रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं ना, तो इन्हें अपना प्रेफरेंस बताना होगा। तो मान लीजिए कहा गया कि मैंने कहा कि ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा है, बी को सेकेंड और सी को थर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। तो ए बी सी इन तीनों को प्रेफरेंस दे दिया गया। अब जब तीनों में से किसी ने भी कोटा को अचीव नहीं किया, सिक्योर नहीं किया, तो क्या किया जाएगा, जो सबसे लीस्ट नंबर्स ऑफ वोट्स जिसे मिले हैं, मान लीजिए सी को सबसे कम वोट मिला, तो सी जो है उसे रेस से बाहर कर दिया जाएगा और सी के सारे फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट्स जो हैं वो बन जाएंगे अब बी के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। ओके, तो इस तरह से ट्रांसफ़र होता जाएगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू कर किया जाएगा जब तक कि कोई भी एक कैंडिडेट रिक्वायर्ड कोटा को सिक्योर नहीं करता है। ओके, यही है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, अब चलिए देखते हैं हम लोग कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों रखा गया प्रेसिडेंट के लिए। हम लोग जब प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एमएलएज और एमपीज वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन रखने का रीज़न है इसके पीछे क्या है, दो रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सिस्टम है काफ़ी इकोनॉमिकल है, मीन्स कि डायरेक्ट इलेक्शन इतने लार्ज जो नंबर ऑफ पीपल अगर ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके लिए जो इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाएगा उसमें काफ़ी खर्च होगा, काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए। और दूसरी तरफ हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल हेड है, रियल हेड कौन है, रियल हेड ऑफ द स्टेट है प्राइम मिनिस्टर, तो सारे रियल पावर्स जो है वो दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को, है ना, तो इसीलिए ये काफ़ी अजीब नहीं हो जाएगा कि प्रेसिडेंट जो एक नॉमिनल हेड है उनको क्यों इलेक्ट किया जाए, ही इज़ जस्ट नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो इसीलिए जो हम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव को ऑलरेडी इलेक्ट करके भेजा है, चूज करके भेजा है, अब वही आगे जा करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये दो रीज़न है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा गया है प्रेसिडेंट के लिए। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट, अब जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं तो उनको ओथ कौन दिलाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहे हैं तो उन्हें ओथ दिलाने का काम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। लेकिन मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है किसी रीजन से, ठीक है, तो क्या होगा, देन सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो ओथ दिलाने का काम करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये याद रखिएगा, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। देन कुछ प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ मिलती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, क्या है वो, ही इंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी। किस तरह की पर्सनल इम्यूनिटीज़, इट मीन्स कोई भी लीगल लाइबिलिटी नहीं रहती है उनके ऑफिशियल एक्ट्स के लिए, वो किसी के ऊपर भी लाइबल नहीं है। दूसरी तरफ अपने टर्म में, ठीक है, जो उनका टर्म है 5 ईयर का टर्म होता है, तो इस बीच में जब तक वो ऑफिस में रहेंगे तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट स्टार्ट नहीं किया जा सकता, ही इज इम्यून फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ओके, सो ये दो इम्यूनिटीज दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब अगर ऐसा कुछ हो गया कि प्रेसिडेंट का ऑफिस ये खाली हो जाता है तो क्या होगा, अब प्रेसिडेंट का ऑफिस ऐसे खाली रह सकता है, तो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को कौन निभाएगा, है ना, उनके फंक्शंस को कौन पूरा करेगा। तो अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर खाली हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, उनके उनका ऑफिस भी खाली है, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इफ ही इज ऑल्सो नॉट देयर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर नहीं है, देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दैट अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, देन नेक्स्ट, अगर अब तो प्रेसिडेंट के ऑफिस के वैकेंट होने की बात हुई, लेकिन मान लीजिए अब अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है अपने ऑफिस से तो क्या करेंगे वो, ही शैल राइट हिज रेजिग्नेशन लेटर अंडर हिज हैंड। ठीक है, उन्हें खुद से लिख कर किसे देना पड़ेगा, एड्रेस करना होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ओके, और अगर इम्पीचमेंट की बात आती है, मान लीजिए अगर उन्हें उनके ऑफिस से हटाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बस एक ही ग्राउंड मेंशन किया गया है इम्पीचमेंट का, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस कि अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, द
तभी उन्हें उनके अगेंस्ट ही इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करके उन्हें इम्पीच किया जा सकता है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है क्या। इम्पीचमेंट का प्रोसेस इट मीन्स, अगर सिंपली हम लोग कहें कि उन्हें रिमूव करना फ्रॉम हिज ऑफिस, तो ये रिमूवल जो प्रोसेस है ये इनिशिएट किया जा सकता है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट मीन्स आइदर लोकसभा या फिर राज्यसभा, कहीं पर भी इसकी शुरुआत, इसको इनिशिएट किया जा सकता है, इस इम्पीचमेंट प्रोसेस या रिमूवल प्रोसेस जो भी कहें आप लोग। ओके, सो जब ये स्टार्ट कर दिया जाता है तो इसके लिए 1/4 मेंबर्स जो हैं उनका सिग्नेचर ज़रूरी होता है इस, ठीक है, इस चार्जेस को, जो चार्जेस उनके अगेंस्ट लगाया गया, दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस चार्ज को देने से पहले इसमें 1/4 मेंबर्स जो हैं इनका सिग्नेचर होना चाहिए, और 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आपके अगेंस्ट जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है या रिमूवल प्रोसेस जो है स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, अब हम लोगों ने ये देख लिया डेट इट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये जो चार्जेस फ्रेम किया जा रहा है ये लोकसभा में, ठीक है, ये सपोज किया जा रहा है जस्ट समझने के लिए कि लोकसभा में चार्जेस को फ्रेम किया गया। अब क्या किया जाएगा, अब ये इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन जो होगा यहाँ पर, अगर ये इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को पास करना होगा बाय द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, लोकसभा का जो टोटल मेंबरशिप है उसके 2/3 मेंबर्स का यहाँ पर इस रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा 2/3 मेंबर्स के जरिए। ओके, अब ये रिजोल्यूशन जब लोकसभा में, जो कि एक इनिशिएटिंग हाउस था जहाँ पर ये फ्रेम किया गया था चार्जेस, अब ये सेंड किया जाएगा टू द नेक्स्ट हाउस, दैट इज द राज्यसभा। ओके, दूसरे हाउस को ये भेज दिया जाएगा। अब दूसरा जो हाउस है, यहाँ पे हम लोगों ने लोकसभा सपोज किया था तो राज्यसभा के पास गया, अगर राज्यसभा के पास जा रहा है तो वो भी इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर चार्जेस प्रूव हो जाते हैं देन यहाँ पर भी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप के जरिए इस रेजोल्यूशन को पास करना होगा, और फाइनली प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चूंकि सपोज किया लोकसभा, इसलिए नेक्स्ट हाउस हो गया राज्यसभा, जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा में भी ये प्रोसीजर जो है इसे स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन कर ही दिया गया पहले दैट दिस रिमूवल प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो यह है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इस इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन नहीं, ये देख लीजिए। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दे कैन पार्टिसिपेट, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नॉमिनेटेड मेंबर्स इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बट जब इम्पीचमेंट की बात आती है तो पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। और कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो स्टेट और यूटीज के इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि MLAs, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इवन दिल्ली और पुडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये रहा हमारा आज का वीडियो ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है पार्ट वन। अब उनके पावर फंक्शंस, ठीक है, ये हम लोग आहिस्ते आहिस्ते क्लियर करेंगे ये डिस्कशन को इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए, और फरहीन क्लासेस इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय एंड टेक केयर।